साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग अपने हालातों से ऊपर उठने के बजाय बिना ज्यादा मेहनत किए ही जिन हालातों में हैं उन्हीं हालातों में संतुष्ट हो जाते हैं, तो वो लोग अपने साथ साथ अपनी आने वाली जनरेशन को भी उन्हीं हालातों में रहने की एडवाइस देने लगते हैं और इसी वजह से ना वो खुद आगे बढ़ते हैं और ना ही कभी उनकी जनरेशन आगे बढ़ पाती है। और एक रिसर्च के अनुसार जब हम बहुत ज्यादा सोते हैं तो हमें और भी ज्यादा सोने का मन करता है। और ये एक कड़वा सच है कि लड़कों को कितना भी प्यार करने वाली लड़की क्यों ना मिल जाए, लेकिन खूबसूरत लड़कियों को देखकर उनकी नजर फिसल ही जाती है। और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया करने जा रहे हैं और आपको डाउट हो रहा है कि शायद आप नहीं कर पाएंगे, तो उसी वक्त शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से ये सवाल पूछो कि मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा या मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। आपको उसी टाइम जवाब मिल जाएगा। और शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल पूछने पर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी सुधार होगा, फिर आपको कोई भी काम करने से डर नहीं लगेगा। और आज के टाइम पर किरदारों की बात तो कोई नहीं करता, क्योंकि आजकल लोग बस एक ही सवाल करते हैं कि कितना कमा लेते हो, और आप जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे, इसीलिए जब जरूरत पड़े तभी बोले। और लोग कहते हैं कि कलयुग आ गया है पर लाया कौन, स्त्री अपनी शर्म भूल गई, पुरुष अपने संस्कार भूल गए, गुरु अपना धर्म भूल गए, और तो और इंसान भी अपनी इंसानियत भूल चुका। और किसी ने क्या खूब लिखा है कि राग के कई परतों के नीचे तक देखा पर अफसोस वो गुरूर और रुतबा कहीं नजर नहीं आया जो सारी उम्र ओढ़ कर बैठे थे। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर कोई आपके पास मायूस होकर आता है और उसे कोई समस्या होती है तो आप उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे समझने की कोशिश करें, इससे सामने वाले को बहुत ही अच्छा महसूस होगा। और ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाया करो, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें सब कुछ पता होता है। और जब से कमाना शुरू किया अपने ही घर मेहमान बनकर आना जाना शुरू हो गया है। और स्पष्ट और कड़वा होने वाला व्यक्ति एक इंजेक्शन की तरह होता है, इसमें थोड़ी देर के लिए दर्द तो होता है लेकिन फायदा जीवन भर होता है। और आजकल कोई गिरने में राजी है तो कोई गिराने में राजी है, मगर जो गिरकर संभल जाए वही जीतता है असली बाजी। और अब तो वो जमाना है जहां अपनी खुशियों के लिए लोग रिश्ते तक कुर्बान कर देते, और अगर कोई अपना रूठे तो दिलो जान से मना लिया करो, क्योंकि दुनिया की बातों में आकर जिद मत किया करो। और जो किस्मत में होगा वो खुद चलकर आएगा, और अगर नहीं होगा तो आकर भी चला जाएगा। और मनुष्य तो बहुत सारे हैं इस धरती पर, लेकिन इंसान बहुत ही कम है। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी के ताने को सुनकर उदास हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि अभी भी आप दिल से सोचते हैं। और रिश्ते और धागों में एक ही समानता है, अगर एक बार टूट जाए तो गांठ उम्र भर रहती है। और जिंदगी में कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बढ़ते, बस इंसान उन्हें छिपाने का हुनर सीख लेता है। और अगर कोई आपको छोड़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने दो, नहीं तो आप उसके जितना नजदीक होने की कोशिश करेंगे वो इंसान उतना ही ज्यादा आपसे दूर भागता जाएगा। और ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ख्यालों में खोया रहता है और कुछ ना कुछ सच्चा करता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज्यादा होशियार है। और आप जितने बूढ़े होते जाओगे आपका लोगों पर विश्वास उतना ही कम होता जाएगा। और मनोविज्ञान के अनुसार जब आप दुखी होते हैं या रोते हैं तब आपको उस व्यक्ति का चेहरा सबसे पहले याद आता है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। और अगर आप ये सोचकर पढ़ने बैठो कि 3 घंटे मुझे कम से कम पढ़ना है, और जब आप पढ़कर उठो उस वक्त आपको पता चले कि आपने तो 5 घंटे पढ़ाई कर ली, उस वक्त आप समझ जाना कि अब आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब भी आपको कोई नई चीज याद रखनी है या नई चीज सीखनी है तो आपके दिमाग के स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव आता है। जितना ज्यादा हम नया सीखते हैं हमारा माइंड स्ट्रक्चर बदलते रहता है और ये दूसरों के मुकाबले ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसीलिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए। और जिसे जितना प्यार करना है कर लीजिए, लेकिन जहाँ आपके सम्मान की बात आए वहाँ पर
सेक्रीफाइस मत करिए। अपना सम्मान खोकर किसी से प्यार करने का कोई मतलब नहीं है, और जो आपको सच में प्यार करेगा वो कभी भी आपका सम्मान कम नहीं होने देगा। और ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि आप ज्यादा पढ़ाई करने से समझदार नहीं बनते, बल्कि आपके आसपास कैसा माहौल है और आपके पेरेंट्स कैसे हैं, इस बात से आपके अंदर समझदारी आती है। और एक रिसर्च के अनुसार अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से कोई बात मनवाना चाहते हैं तो 48 आवर्स पहले से ही आप उसकी ज्यादा देखभाल करना शुरू कर दे तो 80% चांस है कि वो आपकी बात मान जाएगी। और ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार अपने मन की हर बात हर किसी से नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि लोग आपका मजाक बनाने लगते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।